हाई एवरी वन इन एंथ्रोपोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर पेपर वन टुडे विल भी डिस्कसिंग टॉपिक फोर पार्ट वन सो लेट्स वीगिन सी विल भी कवरिंग दिस टॉपिक इन टू पार्ट्स सो बेसिकली टुडे विल भी कवरिंग पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैन हम पोलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे बिकॉज बेसिकली दिस इंटायर चैप्टर्स रिवॉल्व्स अराउंड दैट ओनली और पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बैंड ट्राइब चीफ डॉ किंगडम एंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे एंड कोर्स विल स्टडी अलॉन्ग विद द वैल्यू एडिशन्स वन मोर थिंग आई वॉन्ट टेल यू ये जितने भी वैल्यू एडिशन्स की हम बात करते हैं दे आर ऑल सम वॉट इंस्पायर फ्राम दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और समटाइम्स मे बी डायरेक्टली रिलेटेड टू दी वाई क्यूज ठीक है तो न, अगर किन्हीं को भी डाउट है तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ uh, ताकि यू माइट नो कि ये जो वैल्यू एडिशन्स आ रहे हैं कि आपके लेकिन कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ठीक है And apart from that, uh, we are uh, going to start a new initiative from today. That is, be the contributor. Or its detail hai, I'll tell you at the end of this lecture. Okay. And uh, one very important thing apart from this is, I wanted to request you all that you can like uh, the videos if you feel it is uh, somewhat helping you. And apart from that, you can also do uh, constructive criticisms. I'm always open to that. But your participation is very because that is what the motivation for me to make the videos. Okay. सो so, हम शुरू करते हैं बेसिकली आपको एक चीज़ इस पर्टिकुलर लेक्चर को शुरू करने से पहले ध्यान में रखनी है कि हम जो आज बात करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग अ क्लियर डीमार्केशन तो नहीं बोल सकते हैं बट हाँ एक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो uh, एक uh, आप कह सकते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ या जो हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की बात करते हैं उनकी तरफ होनी चाहिए ठीक है ट्राइबल सोसाइटीज़ आप बोल लीजिए प्रिमेटिव सोसाइटीज़ बोल लीजिए क्योंकि जो आपका प्रेजेंट जो पॉलिटिक्स है ठीक है प्रेजेंट का जो पॉलिटिक्स है दैट यू कैन स्टडी थ्रू पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है और जो हमारी एंथ्रोपोलॉजी का आज हम पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं आप ओवरलैपिंग देख सकते हैं लेकिन हाँ वो काफ़ी डिफरेंसेस भी है ठीक है तो इसलिए मोस्टली आज का जो हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन और टॉपिक का रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू देंथ्रोपोलॉजिकल परेक्टिव ओनली जिसके अंदर आपके ये आ, ट्राइबल्स और प्रमेटिव सोसाइटीज़ वगैरह आएंगे ठीक है सो आई होप दैट इज़ क्लियर तो एस एज यू कैन सी की ये जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं वो उनके बेसिस पर आज हम समझ पाते हैं जितनी भी इथ्नोग्राफिक स्टडीज़ की गई हैं बेसिकली उनसे आज के डेट में हमें समझ आता है कि कैसे अलग अलग टाइम पर एवोल्यूशन हुआ है ऑफ़ द पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन्स ठीक है बिकॉज एज यू मे नो हमने मॉर्गन नेचर थ्योरी दी थी ऑफ द एवोल्यूशन हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ फ्रॉम द वेरी सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स वन राइट तो सेम गोज विद दी आपके पॉलिटिकल uh, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक टाइप से एवोल्यूशन ही हुआ है और ये जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना लाइक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम आप, पढ़े, आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपको ये मेयर uh, फोर्टीज का और एवन प्रचार्ड uh, का नाम काफी आएगा बिकॉज दे हैव डन ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्टार्टिंग द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी ठीक है तो अगर किन्हीं को भी दिक्कत होती है नाम याद रखने के लिए तो दे कैन डू अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज Uh, कि वो एक जो लेक्चर पर्टिकुलरली uh, आप देखते हैं चाहे वो किसी भी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो तो आप एक बार गो थ्रू कर ले और आप उसमें देख ले कौन कौन से नेम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो अगर आप ये एक्सरसाइज ये जो जितने भी सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी इनके साथ कर लेंगे ना तो एट द एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज और एबल टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन कि आपको कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट uh, और सोशोलॉजिस्ट कहाँ पर मैंशन करने हैं ठीक है थीके? तो वो एक छोटा सा आपके लिए एक बात थी सो so, आपके मेयर फोर्टीज और एवन प्रिचर्ड ने स्टडीज़ करी थी अपॉन दी वेरियस एबोरिजिनल सोसाइटीज़ और यू कैन से वेरियस ट्रेडिशनल और ट्राइबल सोसाइटीज़ तो इन्होंने अपने बेसिस ऑफ स्टडी पर ये चीज़ें फाइंड की कि आप ब्रॉडली दो तरीके की सोसाइटीज़ देखेंगे एक तो प्रमेटिव सोसाइटीज़ और दूसरी स्टेटलेस सोसाइटीज़ ठीक है तो अब ये प्रमेटिव सोसाइटीज़ कौन थी तो इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू फोर्टीज़ एंड एवन प्रोच एज यू कैन सी इन्होंने नाइनटीन फोर्टीज़ के दौरान ये स्टडी की थी की थी इन्होंने ये बताया था कि ये जो सोसाइटीज़ है दे हैव अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशन विच वर लेबल्ड एज प्रिमेटिव स्टेट्स अगर आपको प्रमेटिव स्टेट या प्रिमेटिव सोसाइटी को बताना है तो दे कैन बी डिफाइंड ऑन दिस पैरामीटर और इनके कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए थे क्योंकि इन्होंने स्टडीज़ जो की चेंट्रे। थी वो अफ्रीका में की थी ठीक है इंडिया में की थी एंड ऑस्ट्रेलिया में की थी तो उन्होंने जूलू नगवाटो बेंबा एंड बनियांकोलो और केड़े इन कुछ ऐसे प्रमेटिव आप कह सकते हैं सोसाइटीज की स्टडी करी थी ठीक है और दूसरी जो इन्होंने बताई थी दैट वाज ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी ये स्टेटलेस सोसाइटी में क्या डिफरेंस था यहाँ पे कोई भी ग्रेट डिस्टिंक्शन नहीं था बिटवीन रैंक स्टेटस वेल्थ एंड देयर मेंबर्स ये एक तरह से इग्लिटेरियन सोसाइटी थी सब बराबर थे यहाँ पे ठीक है And Fortes and Even Prichard have even defined that the societies which lack centralized authority. आपने यहाँ पे देखा कि जो आपकी primitive societies थी, वहाँ पे एक type की centralized आपको authority देखने को मिलती, but ये जो stateless society है, यहाँ पे आपको कोई भी centralized authority देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? और इनके कुछ examples इन्होंने दिए थे, Logoli, Kalanis, Neos in Africa, और India में अगर आप देखें तो Andaman Island tribes जो आपके Jarwas और basically Sentinels ऑलमोस्ट सेंटिनल्स में बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं हुई है बट जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उन्हें दूर से स्टडी करके देखा है तो दे डिफाइन देम टू बी अटेटलेस सोसाइटी ठीक है एंड सम ऑफ द हंटर्स एंड गैदर ग्रुप विच देर इज नो सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी इंक्लूडेड इन द स्टेटलेस सोसाइटी सो बेसिकली दीज टू आर द ब्रॉडर डिस्टिंक्शन अब जो आपके सिलेबस के अंदर ये सारे डिस्टिंक्शन मैंशन है वो हम एक एक करके देखेंगे ठीक है दैन हम पोलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात कर लेते हैं क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन कर दे तो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली आपके सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ही एक सब फील्ड है ठीक है और सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एज यू नो इज अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड बट लाइक एंथ्रोपोलॉजी एज अ होल इट रिमेन्स इम्यून टू प्रिसाइज एंड द कोर ऑफ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी इज कम्पेरेटिव फील्ड वर्क एग्जामिनेशन ऑफ द पोलिटिक्स इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ हिस्टोरिकल सोशल एंड कल्चरल सेटिंग्स तो ये भी आपके कम्पेरेटिव और फील्ड वर्क पे ही बेस्ड है तो दैट इज़ अ वे ऑफ स्टारिंग पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द वेरियस सोसाइटीज ठीक है और इसके अंदर आपके मेयर फोर्टीज़ और एवन प्रिचर्ड ने काफ़ी काम किया था और इन्होंने किताब लिखी थी अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम इसका नाम भी आप याद रख लें ठीक है बिकॉज वेन यू आर मैंशनिंग अबाउट पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी आपको इन दोनों एंथ्रोपोलॉजी के नाम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द बुक याद रखने हैं ठीक है तो अभी तक तो ये हो गई आपके याद रखने रखाने की बातें अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आते हैं जो आपके कुछ और वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने कैसे डिफाइन किया पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को तो देर वॉज मॉर्टन हेरबर्ट फ्रीड इन्होंने डिफाइन किया द स्टडी दैट डील्स विद द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेसिफिकली रिलेट टू द इंडिविजुअल और ग्रुप दैट मैनेजेस द अफेयर ऑफ द पब्लिक पॉलिसी और सीक टू कंट्रोल द अपॉइंटमेंट फॉर एक्टिविटीज ऑफ दोज इंडिविजुअल और ग्रुप तो बेसिकली अगर आप प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इस डेफिनेशन को इजीली याद रख पाएंगे बट आई सजेस्ट कि आप ये जो कुछ डेफिनेशन है ये ज़रूर अच्छे से याद कर लें अगर हम बात करें स्कोप ऑफ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की तो सी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप भी अपने आप में काफ़ी वाइड है आप इसको जितना वाइडन करके देखना चाहते हैं एक हॉलिस्टिक व्यू में आप उतने तरीके से देख सकते हैं जैसे इसके कुछ सर्वरल आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ऑल दो ये आपको डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेटमिट फर्स्ट टेल यू ठीक है लेकिन क्या पता आपको क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ लिया जाए यू माइट नीड टू नो देन यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट ठीक है देन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल एवोल्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल प्रोसेस एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एथनिसिटी देन लीगल एंथ्रोपोलॉजी भी इसी के अंदर आता है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वॉरफेयर पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट तो दीज आर सम ऑफ द स्कोप्स ऑफ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी कि पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं जान सकते हैं ठीक है और इनके भी आपस में काफ़ी इंटरलिंकेजेस होते हैं तो अगर आप जो भी इनके बारे में जानेंगे तो यू विल बी एबल टू यू नो आंसर इट इनके हिसाब से कुछ पूछ लिया जाता है दैन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे आप हम आ जाते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है ठीक है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपके एलमन सर्विस वॉज वन ऑफ द दंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने कुछ डिविजन्स दिए थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ठीक है बेस्ड अपन द टाइप ऑफ लीडरशिप सोसाइटल इंटीग्रेशन कोहिजन डिसीशन मेकिंग मेकानिज्मिग्री ऑफ कंट्रोल ऑवर पीपल तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है ऑन वॉट बेसिस एलिमेंट सर्विस डिवाइडेड और गिवन द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो आप इन चीज़ों को मैंशन कर सकते हैं ठीक है टाइप ऑफ लीडरशिप सोसाइटल इंटीग्रेशन और कोहेजन देन डिसीजन मेकिंग किस तरह से हो रहा है देन डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द पीपल कि कितना कंट्रोल है इन सारी चीज़ों को आप मैंशन करके बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सो ही बेसिकली गे फोर टाइप ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बैंड ट्राइव चीवडोम एंड स्टेट्स तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका किंगडम है ये इनके पॉलिटिकल uh, ऑर्गेनाइजेशन की हाकी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा सी so, बेसिकली uh, इसको आप टेक्निकली uh, इस तरह से भी मान सकते हैं किंगडम कि जो है किंगडम मोस्टली ऐसा नहीं है कि आपको uh, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में है वहीं देखने को मिलेंगी आपको प्रेजेंट डे में भी कहीं कही ना कहीं नजर आ जाती है तो इसलिए हम किंगडम को अलग से कवर कर लेंगे जो पहले हमें एलमन सर्विस ने जितने पॉलिटिकल uh, ऑर्गेनाइजेशन की हाकी दी है हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है एज यू कैन सी सबसे ऊपर में यहाँ पे आपके स्टेट आएगा फिर चीव डाउन फिर ट्राइव फिर बैंड तो ये एक पिरामिटिकल स्ट्रक्चर है तो जनरली यूज़ किया जाता है टू शो इट इन अ मैनर नाउ यू कैन सी कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ठीक है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाया गया है अगर आप माने किनशिप लीनियज मोइटीज ये एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल अगर ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है दिस एंटायर कोन इज एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो इसके जो आपकी सेकेंड लेयर होगी अगर आप इसकी स्ट्रेटिफिकेशन करके देखें ठीक है इफ़ यू डू स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो किनशिप आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आएगा ये ऊपर वाला और नीचे वाला इससे काफ़ी अलग हो सकता है अपने आप में ये हो सकता है कि बहुत आपके क्लोज फैमिली जो मेम्बर्स हैं उन्हीं का हो ठीक है और ये वाला हो सकता है जो पूरी से पूरी तरह से एक आ, 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 स्टेट हो और ऐसी सोसाइटीज़ हो जहाँ पर बहुत सारे आ, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जो ये वाला आपका जो मिड वाला आएगा वो आपके किनशिप सिस्टम को आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे और जैसे जैसे हम आगे देखेंगे थिंग्स विल बी मच मोर क्लियरर कि हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि आपको यूं बीच में दिखेंगे ठीक है क्योंकि जितनी भी हमने यहाँ पे डिविजन देखी हैं जब हम उस डिविजन के बारे में पढ़ेंगे देन थिंग्स विल बिकम मोर टू यू लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम एट एंड किंगडम को डिस्कस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको आप सेंट्रलाइज्ड या नॉन सेंट्रलाइज्ड में कैटेगराइज कर सकते हैं और ये जो आपकी सेंट्रलाइज्ड एंड नॉन सेंट्रलाइज है इसमें से अगर हम पहले देखें कि जो आपके नॉन सेंट्रलाइज वाले हैं इनको आप स्टेटलेस या एसेफेलस भी कह सकते हैं एसेफेल्स बेसिकली मीन जिनके कोई लीडर नहीं होते और इनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बैंड एंड ट्राइब और जो ये ट्राइब है आप इस ट्राइब को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं किनशिप बेस्ड एंड नॉन किनशिप बेस्ड ठीक है देन जो आपकी किनशिप बेस्ड है उसको आप क्लैन बेस्ड या लीनियर बेस्ड कह सकते हैं और जो आपकी नॉन किनशिप है उसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं एज ग्रुप बेस्ड क्लब बेस्ड एंड मेलनीशियस बिग तो अब एक अगर आपको यहाँ पे मैं देख के समझाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा ये आपकी प्री इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको आप नॉन सेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज्ड में कैटेगराइज करते हैं देन आपकी जो नॉन सेंट्रलाइज जिसकी अभी अभी हमने बात करी है इसमें आपने बैंड एंड ट्राइब में डिवाइड किया देन जो आपकी ट्राइब है ट्राइब को आपने फर्दर किनशिप बेस्ड एंड नॉन किनशिप बेस्ड में डिवाइड किया ठीक है देन जो आपकी किनशिप बेस्ड है इट फर्दर गॉट कैटेगराइज इन टू क्लैन बेस्ड एंड लीनियज बेस्ड ठीक है और जो आपके नॉन किनशिप है वो एज बेस्ड हो गए क्लब बेस्ड हो गए और बिगमैन मेलेनिशिया वो हम देख लेंगे आगे क्या होता है ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंट्रलाइज्ड है उसको हम नॉन एसफेल्स भी कहते हैं और ये आपके चीफ डोंग और स्टेट में कैटेगराइज होते हैं एज यू कैन सी सेंट्रलाइज चीफ डोंग एंड स्टेट ठीक है ये वाला सारा क्लियर है ये वाला पिक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए पता होना चाहिए ठीक है देन अगर हम इनके बीच में एक शॉर्ट डिस्टिंक्शन की बात कर लेते हैं तो आपकी जो नॉन सेंट्रलाइज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये मोस्टली मल्टी सेंट्रिक अथॉरिटी होती है यहाँ पे क्योंकि एक तो लीडर होता नहीं है तो यहाँ पे जो लीडरशिप है वो कभी भी किसी के भी पास आ जाती है इनफॉर्मली अगर आप बात करें तो इसीलिए इसे मल्टी सेंट्रिक अथॉरिटी कहते हैं एक किसी पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं होती है ठीक है और जो आपकी सेंट्रलाइज्ड वाली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर तो कोई यूनिसेंट्रिक अथॉरिटी होती है चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे उसे चुना गया हो फॉर समर रीजन लेकिन दे हैवे यूनीसेंट्रिक अथॉरिटी दट इज़ वन ऑफ द मेजर डिस्टिंगशन देन हम दूसरी बात करें जो आपकी सेंट्रलाइज पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं देर विल भी नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी केपेबल टू ट्राइबल सोसाइटी सी अगर आप इसको ऐसे समझिए एक ट्राइबल सोसाइटी है और एक सेंट्रलाइज पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपके चीफ डॉम या स्टेट आते हैं एंड दे बेसिकली कम्स एट दी हायर हा ठीक है, है? यानी कि वो एक आपका जो सोसाइटी का यूनिट है वो फॉर्म तो नहीं करेंगे तो uh, so, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते दे आर फॉर्म ऑफ वेरियस ट्राइबल दैट इज वाई रिप्रेजेंट वन दैट इज वॉट इज मैन ओवर और जो आपके सेंट्रलाइज पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ठीक है उनके अंदर आपको सेंट्रलाइज अथॉरिटी मिलेगी जो कि पूरी सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल होती है यहाँ पे आप नॉन डाल लीजिएगा इट्स नॉट रिटन अब हम एक एक करके आपके इन नॉन सेंट्रलाइज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लेते हैं देन विल मूव ऑन टू नॉन में आप देखें सबसे पहले हम यहाँ पे बैंड को पढ़ेंगे ठीक है तो बैंड का मतलब क्या होता है सी बैंड आपके बहुत एक रूडमेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि uh, काफी आप प्रिमेटिव मान सकते हैं काफी आपसे पहले एग्जिस्ट करती थी एंड ये जो बैंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपके मोस्टली हंटरर्स और गैदरर्स सोसाइटी में आपको देखने को मिलती सी यू नीड टू राइट डाउन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज हाउ जनरली द क्वेश्चन इज आक्स इन द एग्जाम तो यू शुड बी रेडी विद फोर फाइव पॉइंट्स जिसमें आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं ठीक है थेके? और जो आपकी बैंड है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद इन द सोसाइटी रेयरली रेयरलीड अ फ्यू डर्जन and bands are essentially association of families living together so mostly you can say they are like uh, kinship based and they are loosely allied by marriage, descent, friendship and common interest and the primary integrating mechanism for these societies is kinship as I told you then bands are extremely egalitarian and all families are essentially equal there is no economic class differentiation however there are often clear status difference based upon gender and age तो यानी कि आपके बैंड में जेंडर और एज में तो डिफ्रेंसिएशन होता है कि बच्चे क्या करेंगे और जो एज ग्रुप है या फिर जेंडर वाइज है मेल या फीमेल वो क्या करेंगे बट एज सच कोई और डिविजन्स और क्लास स्ट्रैचर आपको वहाँ पे नहीं दिखता है एंड देर इज अजान हॉरीजोंटल स्टेटस एंड पावर रिलेशन इन बैंड बिटवीन ऑल अडल्ट ऑफ द सेम जेंडर दे आर मोर एंड लेस इक्वल एज फार एज कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग इज़ कंसर्न तो यहाँ पे मोस्टली कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग होती है तो आपको कुछ पॉइंट्स इनके याद रखने हो ये रूडिमेंट्री थे देन आपको ये एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ में मिलते हैं इनकी जो साइज़ होती है दैट इज क्वाइट स्मॉल और मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन किनशिप ओनली और ये एग्लिटेरियन टाइप के होते हैं आपको क्लास uh, डिस्टिंगशन नहीं मिलेगा बट स्टेटस डिफरेंस होता है जो कि जेंडर और एज बेस्ड होता है और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कम्युनिटी बेस्ड होती है ठीक है इतना आप याद रख लेंगे आपको बैंड के बारे में लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे देन सम इंडिविजुअल इन अ बैंड स्टैंड आउट फॉर देयर स्किल्स एंड नॉलेज एंड दे आर द वन हु फॉर्म्स द लीडरशिप जो आप कह सकते हैं सिचुएशनल लीडरशिप एज यू कैन सी कि मान लीजिए किसी को uh, एक uh, जंगली जा, जानवरों से लड़ने का अच्छा एक्सपीरियंस है और द पर्सन इज वेरी करेजियस तो जब भी शेर या किसी ने हमला कर दिया तो दैट पर्सन विद द विल बी द वन होल्डिंग द लीडरशिप ठीक है क्योंकि उसकी रिस्पांसिबिलिटी है जो पूरा का पूरा बैंड है उसकी रक्षा करना उसको बचाना ठीक है एंड इन ईच बैंड डिसीजन मेकिंग इज ओपन टू ऑल एंड देयर इज कंसेंशस नो वन गिव्स ऑर्डर बाय द वर्जी ऑफ होल्डिंग एंड स्टैब्लिस्ड ऑफिस सोशल डिसएग्रीमेंट आर यूजुअली फॉलोड बाय फीस्ट फाइट मतलब अब इतने सारे लोग हैं वो कहते हैं ना अगर चार बर्तन साथ में रखे होंगे तो आवाज़ तो होगी तो सेम गोज विद दैट कि यहाँ पे भी अगर इतने सारे चाहे वो दस लोग हो बारह लोग हो किसी ना किसी बात पे तो उनके अनबन तो होगी ही और इसको सॉल्व करने के लिए इनका बहुत यूनिक uh, मेथड होता है लाइक फीस फाइल होती है uh, किसी टाइप का कंपटीशन होता है गाने बजाने से लेके इन कॉन्टेस्ट के हेल्प से ये डिसाइड करते हैं कि कौन जीता कौन हारा और उसी तरह से जो डिसग्रीमेंट है वो शॉर्ट आउट होता है सच ए नाइस वे राइट एंड ईच वेन द मेकनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल आर बेस्ड मोर देन इन फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड दी एब्सेंस ऑफ लार्ज केल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोसिव अथॉरिटी फॉर्मल लीडरशिप सोशल स्टेशन इज रिलेटेड टू द लैक ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्स और पे वैसे किसी का कंट्रोल होता नहीं है और इनके पास प्रोडक्टिव रिसोर्स क्योंकि हंटर्स एंड गैदर्स है तो ऐसा तो है नहीं कि इनके पास फील्ड है एंड दफ एग्रीकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज गोइंग ऑन तो वैसा होता नहीं है प्रिंसिपल गोल ऑफ पॉलिटिक्स इज मोट मैन इज मेकिंग श्योर दीपल गैट अलॉन्ग विद इच अदर तो मोस्टली इनका आपस में मिलजुल के रहना इज द मेन पर्पज और ये ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ uh, में और कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाते हैं एंड दिस इज़ नॉट एन ईजी गिवन ह्यूमन नेचर दिस ऑलवेज द पोटेंशियल फॉर द सोशल डिस्ट्रप्शन अबाउट अबाउट बाय इंडिविजुअल फेलिंग टू शेयर फूड सेक्शुअल कॉम्पटिशन फॉर द सेम मेट और अदर पर्सनल कॉन्फ्लिक्स सी आप में से जिन लोगों ने um, कुछ टी वी सीरीज़ देखी होंगी बेस्ड अपॉन सच प्रिमिटिव सोसाइटीज़ तो दे माइट बी नोइंग और दे कुड हैव विजुअलाइज Uh, तो आपको अगर मौका मिले तो ऐसी सीरीज़ देखनी चाहिए दे हेल्प यू इन विजुअलाइजेशन ठीक है तो उनमें आप देखेंगे कि उनके पास uh, करने के लिए और उनके पास कॉम्पिटेटिव uh, होने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं मेस्टली मोस्टली आपके ये तो है कि आपका पेट भरा होना चाहिए तो आपको खाने के लिए मिलने चाहिए और uh, जो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक सेक्शुअल कॉम्पिटिशन क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स और जेंडर जो होते हैं uh, तो उसके uh, लहजे से जो ये सेक्शुअल कॉम्पिटिशन है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इन टाइप की सोसाइटीज में और पावर स्ट्रक्चर उतना होता नहीं है इसलिए पावर के लिए इतनी माड़ धाड़ होती नहीं है एक और फेनोमेना जो जो आपको में देखने को मिलेगा दैट इज काइंड ऑफ डिस्प्यूट यू कैन से क्योंकि सी uh, लोग इनमें रहते हैं साथ में रहते हैं वो काफी कम लोग होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ काफी इन्वॉल्व होते हैं और जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो uh, कोई ना कोई आपको uh, कह सकते हैं इशू निकल के आ ही जाता है और देर कैन बी अदर रीजनस एज वेल क्योंकि कॉम्पिटिशन uh, भी होता है आपके फूड को लेके और अदर चीज़ों उसको लेके तो उसके वजह से भी कही न, कहीं ना कहीं फ्यूड्स निकल के आ ही जाते हैं और वुमेन की हम कंडीशन uh, की बात करें इन दिस सोसाइटी तो एथनोग्राफिक अकाउंट्स आपके ये सजेस्ट करते हैं कि वुमेन की स्टेटस जो थी इन सच अ कांड ऑफ एन सोसाइटी और यू कैन से बैंड दे व बेटर देन कंपेयर टू दैस्ट्रोलिस्ट एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटी ठीक है वुमेन को एक अच्छा पोजिशन मिलता था उनको एक से होता था इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इस वजह से यू कैन से बेसिकली देवर इन्जॉइंग गुड स्टेटस और आपके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बहन के लिखने हों तो ट्रेडिशनली जो आज का प्रेजेंट डे लाइक सिचुएशन है और जो टाइम है यू वॉन्ट फाइंड एनी सर्वाइविंग ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन टैक्ट बट जो नाइनटीन सेंचुरी में आपको फाफलंग एरियाज़ में लाइक साइबेरिया में आपके uh, सबाक्टिक रीजन्स में ग्रीनलैंड में ट्रॉपिकल लो लैंड ऑफ सेंट्रल साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के कुछ डेजर्ट्स में इस टाइप की सोसाइटीज़ और बैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यू कैन सी द मेम्बर्स ऑफ द इन न्यूट बैंड इन इन नॉर्दन कैनेडा ड्यूरिंग दी नाइनटीन सेंचुरी ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑल दो दे आर नॉट प्रेजेंट प्रेजेंटेड तो इसी फेनोमिन से रिलेटेड कि अगर आपस में मान लीजिए इनके कुछ वाद विवाद हो जाए कुछ झगड़ा हो जाए तो वट विल हैपन नेक्स्ट सो बेसिकली दे सेपरेट फ्रॉम दैट बैंड एंड दैट इज कॉल्ड एज बैंड फिजनिंग ठीक है सो बैंड फिजनिंग में क्या होता है दे अपरेंटली हैव अ कॉमन अकरेंस एंड एज द नंबर ऑफ पीपल इन दी सोसाइटी इंक्रीजेज द पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रप्टिव इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट इनविटेबली राइज और इस uh, जो कन्फ्लिक्ट के राइज के वजह से क्या होता है कि जो फैमिलीज होती हैं दे डिसाइड टू लीव एंड फॉर्म देयर ओन बैंड्स क्योंकि सपोज देर इज अ फैमिली एंड इज अ फैमिली ऑफ़ फाइव एंड देर इज अनदर फैमिली ऑफ सिक्स तो टुगेदर दे मेक इलेवन पीपल एंड द इलेवन पीपल कैन हैव अ बैंड क्योंकि आपको बैंड में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है दैट देर शुड बी वन फैमिली टू फैमिली और वटेवर ये फैमिली हो सकती है दो फैमिली मिलकर आपस में एक बैंड बना सकती है तो अगर मान लीजिए देर इज सम काइंड ऑफ एन फ्यूड ऑफ थ्री मेम्बर्स फ्रॉम दिस फैमिली तो दिस थ्री कैन मूव आउट दे कैन फॉर्म देयर ओन फैमिली मतलब इवेंचुअली द थिंग्स विल गेट इंक्रीज और दे विल फॉर्म देअर ओन बैंड इट सेल्फ तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं और मोस्टली ये देखा गया है कि ये जो बैंड फिजनिंग होती है इट्स नॉट बिकॉज कि जो आपकी कैरिंग कैपेसिटी है एन्वायरमेंट की वो रीच आउट हो चुकी है यानी कि मान लीजिए आपको फूड को लेके कॉम्पिटिशन है या ऐसा कुछ है कि वहाँ पे खाने को चीजें नहीं बतिए बिकॉज ऑफ दैट देअर यू नो मूविंग आउट फ्रॉम दैट एरिया ऐसा कुछ नहीं होता इट वॉज मोस्टली सीन बिकॉज ऑफ समिक्ट और सोशल डिस्कॉर्ड जैसे एक एक्जाम्पल दे आपको रिचर्डली रिचर्डली बेसिकली वोज एन एंथ्रोपोलॉजिस्टिस्ट हुटडीड द वेरियस ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका तो जैसा जो हॉन्शी ट्राइब ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो इन ट्राइब को स्टडी करके इन्होंने देखा ये जो बैंड फिजनिंग का फेमिना है इट वजन ड्यू टू दी फुल केयरिंग कैपेटी ऑफ द इन्वायरमेंट मतलब ऐसा नहीं था कि खाने पीने की किल्लत आ गई थी बिकॉज ऑफ दट दे हैव टू मूव आउट दे मूव आउट बिकॉज ऑफ समइंड ऑफ एन सोशल डेस्कॉट तो दट यू कैन मैंशन एज एन एग्जाम्पल की दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और दिस इज वन ऑफ द फेरेमिना दट ऑकर्स इन द बैड ठीक है देन हम अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट इज दी ट्राइब सो ट्राइब की अगर हम बात करें तो ट्राइब आपको बेसिकली पेस्ट्रोलिस्ट और हार्टिकल्चरलिस्ट जो सोसाइटीज़ हैं हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उन सोसाइटीज़ में विल फाइंड सच अ काइंड ऑफ एन लीडरशिप और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एट एज दी पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस विद अ शिफ्ट इन सब्सिसटेंस पैटर्न फ्रॉम द फॉर्जिंग टू हार्टीकल्चर टू पेस्टोलिज्म इट इवेंचुअली रीचेज अ पॉइंट एट विथ किनशिप टाइज एंड फ्रेंडशिप आर नो लॉन्गर सफिशियंट टू होल सोसाइटी टुगेदर And because of that reason, they try and form a bigger organization than the band. And this is especially the case when there are hundreds of people and multiple communities. Tribes are also characteristics of, of some large equestrian and rich aquatic foraging societies. So these you can write ki foraging societies mein mileega, uh, pastoralist mein and horticulturist mein you will find such a kind of a tribe uh, political organization. And they may be asophilous uh, without leader and sometimes they have leader who can influence and build a personal uh, following distributing wealth and favor such as big man in new guinea so big man in new guinea ko hume aage we detail mein alag se padhna hai so we'll cover it that uh, point of only lekin you can uh, know ki jo tribe hote hai usme ye jo informal type ke leaders hote hai that is basically known as the big man theek hai then uh, aapke band ki hi तरह जो tribal societies hoti hai are still essentially egalitarian in that no one family or the residential group is political here और इकोनॉमिकली सुपीरियर टू अदर कि ऐसा नहीं है कि आप आज के डेट में देखेंगे सो एंड सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज़ दे हैव पॉलिटिकल डायनास्टी और समथिंग लाइक दैट सो यू विल सी सच अ काइंड ऑफ एन थिंग एवरी वैन अराउंड वर्ल्ड सो आपको ऐसी चीजें इनमें देखने को नहीं मिलेंगी एंड ऑल फैमिलीज आर बेसिकली अलाइक इंक्लूडिंग दोज ऑफ द हेडमैन दे आर द मोस्ट पार्ट ऑफ सेल्फ सफिशियंट इन रिगार्ड टू फूड एंड अदर बेसिक Bands, in the way that they are integrated, they are also large societies. So, if you ask the difference, you could be able to write it down. Then tribal society have suffered uh, the same consequence of contact with the large scale societies. And there is no longer any tribe that have been able to maintain the traditional political system unaltered by the outside influence. और तो आपको कुछ मिल जाएंगे बट हाँ जो एक इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में जिस टाइप से आपको ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं प्रेजेंट डे में यू मे नॉट फाइंड लाइक दैट तो अब हम ट्राइब्स के जो किनशिप बेस्ड है और नॉन किनशिप बेस्ड है इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले किनशिप बेस्ड में क्लान बेस्ड को कवर करेंगे ठीक है तो देख लीजिए आपके किनशिप बेस्ड क्या होते हैं जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनका जो किनशिप वाला रिलेशनशिप है उसकी वजह से जो आपके पॉलिटिकल uh, सिस्टम्स बनते हैं उनको हम किनशिप बेस्ड कहेंगे किनशिप बेस्ड में आपके जो लीनियर्ज बेस्ड है सबसे पहले देन लीनियज जो आपके लीनियज बेस्ड है ये आपको टिव ऑफ नाइजेरियन पैस्ट्रल ऑफ न्यू ईयर सुडान में देखने को मिलेंगे हम इनके ऊपर एक केस स्टडीज भी देख लेंगे आगे चल के दे आर एज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ लीनियर्ज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम एंड न्यू हिज हैसिबिलिटी इज टू मिनिमाइज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द इंटर लीनियज फ्यूल तो ये एक लेपर्ड स्किन चीफ जो होते हैं इसका एक बहुत अनोखी सी अब कहानी है हम जब केस स्टडी पढ़ेंगे उस टाइम पे इसको देख लेंगे कि इनका क्या रोल होता है ऑल्दो दे आर नॉट द पॉलिटिकल लीडर्स लेकिन फिर भी इनका सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस uh, होता है ठीक है और वो हम देखेंगे कैसे एंड ही इज अ मीडिएटर विथ नो कोयर फोर्स एन एग्जाम्पल ऑफ लेजिटमेसी विदाउट फोर्स मतलब इसकी बात लोग क्यों मानते हैं कैसे मानते हैं विल सी दैट पर आप याद रख लीजिए आपको uh, कहाँ देखने को मिलेंगे लीनि सिस्टम वाले टिव ऑफ नाइजीरिया एंड पेस्ट्रोल न्यूनिवर्स ऑफ सुडान में ठीक है Then uh, tribal growth takes place uh, through the segments and lineage segments start with the maximum lineage to the major lineage to the minor and to minimum lineage. See a uh, lineage segmentary lineage हमने ऑलरेडी uh, पहले कवर कर लिया है तो I just included the diagram here so that आप uh, पीछे के lectures में जाके इसको देख सकते हैं ठीक है I won't, uh, I won't spend much time out here. Then uh, case study की जो हम बात कर रहे थे जो Newer tribe की हम बात कर रहे Newer of Sudan. तो Newer of Sudan के अंदर क्या होता है ये आपके एक uh, one of the largest uh, group है whose members are ड्यूटी बाउंड टू कम्बाइन इन रेडिंग एंड डिफेंस दर इज नो ओवर रीचिंग गवर्नमेंट बिकॉज ऑफकोर्स ये नॉन सेंट्रलाइज है और यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं होती है तो आपको कोई गवर्नमेंट टाइप का सिस्टम नहीं मिलेगा यहाँ पे लेकिन uh, जो इनकी आपस में यूनिटी होती है और एक टाइप से uh, political order आप कहे पॉलिटिकल ऑर्डर आप मान सकते हैं या सोसाइटल ऑर्डर मान सकते हैं वो आपके टेरिटोरियल डिविजन के ऊपर बेस्ड होता है क्योंकि ये uh, आपस में इनकी जो संख्या होती है वो इतनी होती है कि ये डिविजन्स में काम करते हैं ठीक है थीके? ऐसा नहीं है कि बैंड के केस में बिकॉज बैंड में ग्यारह uh, बारह लोग होते थे तो वो इकट्ठे एक, एक जगह पे रहते इनके केसेस में वैसा पॉसिबल थोड़ा नहीं हो पाता है और इनके ऊपर स्टडी किसने करा था एवन प्रिचर्ड ने और इन्होंने क्या स्टडी करा था करके देख लेते हैं बेसिकली जो इनके जो सेगमेंट्स बनते हैं ठीक है जो हमने यहाँ पे देखा था जो ये सेगमेंट्स बन रहे हैं इनके मेजर लीनीज के देन माइनर लीनेज के देन फर्दर तो इन सेगमेंट्स में जो लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है द वन हुज बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर लीनियज और दिस मेजर लीनेज तो इनके जो मान लीजिए यहाँ पे पांच मेम्बर्स हैं ठीक है थीके? तो इनकी जो आपस में रिलेशनशिप होगी दे विल प्रेफर द मेम्बर्स ऑफ दिस मेजर लीनियज फ्राम द वन ऑफ दिस मेजर लिनेज ठीक है ये वन है मान लीजिए ये टू है दे आर यू यू कैन फाइंड फाइव मेम्बर्स दे आर यू माइट हैव लाइक सिक्स मेबर्स से तो दे विल ऑलवेज हैव अ प्रेफरेंस फॉर थिंग्स फॉर दिज फाइव रादर देन दिस सिक्स ठीक है वो उनको उनसे ऊँचा रखेंगे बट इन केस अगर बात आए कि बाहर से देर इज सम काइंड ऑफ एन एनिमी हु इज़ अटैकिंग तो आपस में ये फिर मिल जाएंगे और उस एनिमी के अगेंस्ट ये काम करेंगे बट इन केस अगर इनके दोनों में आपस में लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है ये वाला अपने वाले को सपोर्ट करेगा ये वाला अपने वाले को सपोर्ट करेगा ठीक है तो अब कुछ इसी तरीके का सिस्टम होता है कि इनमें मान लीजिए प्रॉपर्टी को लेके अडल्ट्री या रिसोर्सिस के राइट को लेके अगर किसी प्रकार से भी कोई झगड़ा हो जाता है दे इज अ काइंड ऑफ एन डिस्प्यूट तो देर इज अ पर्सन हु रिजॉल्व ऑल दिस डिस्प्यूट क्योंकि ये जितने भी होते हैं ना ट्राइब के सेगमेंट्स वाले दे हैव द सेम डिसेंट और ये मोस्टली आपके uh, पेट्रीलिनियल डिसेंट के ही होते हैं ठीक है थीके? तो दे आर फ्रॉम द सेम डिसेंट और उनका uh, आप कह सकते हैं लीनिज बेस एक ही होता है तो वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेटिव होते हैं किनशिप से जुड़े हुए होते हैं तो इनकी जो मीडिएटर का काम है वो करता है स्किन ये बेसिकली इनके हैज का नहीं होता है बाहर का कोई अथॉरिटी होता है और इसके ऊपर जो मीडिएटर की सारी जिम्मेदारी होती है वो दी जाती है ठीक है आप मीडिएटर बोल सकते हैं नेगोशिएटर बोल सकते हैं बट इसके पास कोई ऐसा आ, अथॉरिटी नहीं होता यू कैन से ही इज नॉट द लीडर ही इज नॉट द किंग हु डिसाइड की ओ के आई एम द किंग एल से मतलब यू हैव टू डी है ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज ही इज जस्ट काइंड ऑफ एन यू कैन से रिचुअल पावर होते हैं इनके पास कुछ उसकी वजह से इनको थोड़ा सा वैल्यू uh, दी जाती है एंड ही बेसिकली गेट पेड विद दी काउज ब्लड ऑल दो यहाँ पे आपको इनको कैटल भी देते हैं लोग बट इनको जो पेमेंट होती है दैट इज इन दॉर्म ऑफ काउस ब्लड तो बिकॉज ऑफ दैट ही इज अ काइंड ऑफ एन रिच वन बिकॉज इनको बहुत सारे कैटल्स दिए जाते हैं तो उसकी वजह से ये काफ़ी रिच होते हैं बट ये आपके ना तो लीनिज के होते हैं ना उस ट्राइबल के होते हैं और ये पीस मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं तो अगर कहीं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंशन करना हो कि कैसे ये उस सोसाइटी के पार्ट ना होते हुए भी एक पीस मेकिंग प्रोसेस में ये अपना रोल निभाते हैं तो दे यू कैन राइट इन डाउन मतलब पावर के बिना भी ये एक पीस मेकर का और मीडिएटर का रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं ठीक है तो दैट इज़ वन ऑफ दी केस स्टडी दैट यू कैन मैंशन देन आपके क्लान बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सी क्लान कैसे बनता है हमने किनशिप uh, में देखा था जो आपके मान लीजिए लीनेज वन टू थ्री है तो दे विल फॉर्म वन क्लान ठीक है और इसी तरह से अलग अलग आपके क्लान्स बनते जाएंगे तो ऑल दो दे आर द वन ऑफ दर यूनिट नॉन द स्मॉलेस्ट वन बट द स्मॉलर यूनिट इन दाई आर् ठीक है तो ये आपके या तो पेट्रियाकी हो सकते हैं या तो मेट्रियाकी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इनमें जनरली वैसे तो कोई अचीव नहीं होता है बट हाँ आपका ऑफिशियल लीडर आप ना मान सके बट uh, कोई ना कोई एक लीडरशिप रोल आपको कोई एल्डर प्ले करता हुआ देखा जा सकता है इन सच काफ़ इन पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और आपको इनके एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आ, आपको आई डीज चाइनीज़ कोरिया यहाँ पे अलग अलग क्लान्स में आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइप के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो शुमालियन क्लैंड पॉलिटिक्स अगर आप आ, आ, इसके ऊपर पढ़ना चाहेंगे तो आज की डेट में भी ये प्रेजेंट है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपके अरब क्लान्स हैं इंडी सब ट्राइबल ग्रुप ऑफ अरब सोसाइटीज़ आपके नेटिव अमेरिकन में भी आपको कुछ इस टाइप के क्लान्स देखने को मिलेंगे देन ओजाबा पीपल ऑफ ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे भी आपको इनके एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे तो बेसिकली uh, आपको एग्जाम्पल्स लिखना बहुत जरूरी है तो ये एग्जाम्पल्स आप uh, एक बार देख लीजिएगा और अगर आपको ज़्यादा जानना है यू वॉन्ट लाइक काइंड ऑफ एन वेरी मच इंटरेस्टेड तो आप सुमालियन क्लान पॉलिटिक्स का भी एक बार पढ़ सकते हैं दैन हमने यहाँ पर अब क्या क्या कवर कर लिया है ये क्लान कवर कर लिया हमने लीनेज कवर कर लिया अंडर द किनशिप बेस्ड अब हम नॉन किनशिप बेस्ड पर आ जाते हैं जिसके अंदर हम एज बेस्ड क्लब बेस्ड और बिग मैन को पढ़ लेते हैं अगर हम बात करें एज ग्रेड बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम तो जैसा आपको ये नाम बता रहा है और इस टाइप के जो फैक्टर है वो पैन ट्राइबल इंटीग्रेशन का काम करते हैं अब ये पैन ट्राइबल क्या होते हैं विल सी इन अ वाइल्ड और इसके अंदर जो आपका एज ग्रुप है उसके बेसिस पे डिविजन होता है एज द नेम सजेस्ट कि एज ग्रेस्ड बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम एंड पीपल ऑफ़ द सेम एज ग्रुप बिलोंग टू दी वन एज ग्रेड ठीक है कि मान लीजिए दस से बीस साल के जितने भी बच्चे हैं दे फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप जो वुमेन हैं, दे फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप जो एल्डर्स है एवो सिक्सटी दे फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप लाइक दैट। एंड ईच ग्रेड इज कट अक्रॉस किनशिप एंड टेरेटोरियल लाइन्स बिकॉज पीपल ऑफ़ द सेम एज इंड डिफरेंट विलेजेस बिलोंग्स टू द सेम एज ग्रुप सी अब मान लीजिए यहाँ विलेज वन है विज टू है विज थ्री है या आप अगर इसको और भी छोटा करके देखना चाहें फैमिली वन है फैमिली टू है फैमिली थ्री है तो इट इज पॉसिबल कि इस फैमिली में आपको तीन एज ग्रुप के लोग देखने को मिल जाए सिमिलरली यहाँ पे आपको चार एज ग्रुप के लोग देखने को मिल जाए सिमिलरली यहाँ पे आपको दो एज ग्रुप के देखने को मिल जाए तो ये आपस में क्या होगा इनकी जो देविल कट अक्रॉस द किनशिप लाइन्स ठीक है कुछ इसमें 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 देविल फॉर्म वन एज ग्रुप ठीक है उसी तरह से और इसके एग्जाम्पल आपको कहाँ पर मिलेंगे कि पिसिंगीज़ कम्युनिटीज़ ऑफ केनिया हैच टू एज जेंडर एक वॉरियर होता है दूसरा एल्डर्स होता है ये जो वॉरियर वाला सेक्शन है ये बेसिकली आपके सेफ्टी सिक्योरिटी को देखता है और जो एल्डर्स है ये जो भी सोसाइटी और जो उनके पॉलिटिकल uh, सिस्टम में डिसीजन मेकिंग लेना होता है और जो रिसोर्स जो भी उनके पास होते हैं उस पर अगर कोई डिसीजन लेना होता है दे डू देट हम पैन ट्राइवल की बात कर लेते हैं एज ए टोल्यू कि ये पैन ट्राइबल इंटीग्रेशन क्या है उसके लिए आपको पैन ट्राइबल क्या होता है ये जाना जरूरी है पैन ट्राइबल एक टाइप का आप कह सकते हैं मैकेनिज्म है ऑफ ट्राइब्स रेफर्ड टू दी द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज द पेन ट्राइबल एसोसिएशन और सोसाइल इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो सोसाइटीज होती हैं बाई ब्रिंगिंग टूगेदर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल टिपिकली एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच फैमिली मेम्बर्स कि मान लीजिए यहाँ पे फैमिली वन है फैमिली टू है फैमिली थ्री है तो इन फैमिली से कुछ कुछ लोग डिपेंडिंग अपॉन दी एज जेंडर या क्या क्या क्राइटेरिया उनका रखा गया है सभी फैमिली से कुछ कुछ लोग निकल के आएंगे एंड दे विल इवेंचुअली फॉर्म अ पैन ट्राइबल ठीक है हम थोड़ा सा और इनका फीचर्स देख लेते हैं जो पैन दे ऑफन फॉर्म ऑफ काउंसिल ग्रुप ऑफ एल्डर वुमेन सोसाइटीज रिलीजियस कल्ट और सीक्रेट सोसाइटीज वेल दीज हैव स्पेसिफिक

तो आपको ये सिस्टम uh, अगर हमने एक पढ़ा था किबुत सिस्टम अगर याद हो तो वी स्टडीड इन इज़राइल सिस्टम दैट एग्जिस्ट तो अगर मान लीजिए आप इसको भी एक तरीके से पैन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं बिकॉज इसमें भी ऐसा ही होता है कि सर्टन ग्रुप स्टे टुगेदर द चिल्ड्रेन स्टे टुगेदर द वुमेन स्टे टुगेदर द मैन स्टे टुगेदर समथिंग लाइक दैट तो आपको ये न्यू इनिया में भी देखने को मिलेगा किबुथ का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं और uh, ये अलग अलग हाउसेज में रहते हैं और इनके जो ओल्डर बॉयज़ होते हैं वेंट थ्रू एन इनिशिएशन सेरेमनी इन ऑर्डर टू बिकम अ मैन मूव इन टू द बिग हाउसेज एंड लर्न द रिलीजियस सीक्रेट केप्ट बाई द मैन तो बेसिकली ये उनके कल्चर का पार्ट है कि ये एक तो अलग अलग हाउसेज uh, में रहते हैं और फिर जैसे एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांजेक्शन भी होता है तो इनके कुछ रिलीजियस सेरेमनीज़ और फंक्शन ये सारे भी होते हैं तो इस एग्जाम्पल को आप और भी कहीं यूज़ कर सकते हैं ठीक है यू मे सी दी पैन ट्राइबल एसोसिएशन ऑफ एल्डरमेंट्स ठीक है देन हम क्लब बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसकी क्लब बेस्ड और कुछ नहीं ये आपके कॉमन इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है कि uh, कोई वॉरियर क्लास है कोई रिलीजियस कल्ट के ऊपर बेस्ड है इस तरीके के ऊपर uh, जो भी आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दैट यू कॉल एज क्लब बेस्ड तो वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर इन दिस क्लब बेस्ड एंड हेडमैन एंड अदर सच काइंड ऑफ एन एज बेस्ड वाला कि ये आपके ओवरलैपिंग हो सकता है जो अलग अलग बेसिकली हमने बैंड्स और ट्राइब्स पढ़े हैं ठीक है दे मे नॉट फॉर्म अ वेरी सेपरेट एंटिटी आपके ये क्लब बेस्ड हो सकता है आपके ये ट्राइब के अंदर भी कहीं पर आ जाए और ये हेडमैन uh, वाला जो हमने ऑलरेडी देखा था ये uh, आपके एक ट्राइब के अंदर आता है ठीक है तो ये सारी चीजें हो सकता है मे बी ओवरलैपिंग टू ईच अदर एज वेल और आपके हेडमैन की अगर हम बात करें uh, या बिग की अगर बात करें तो इसके ऊपर uh, आप एक केस टडी देख लेंगे थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू ठीक है तो एज यू कैन सी ही इज़ द हेड मैन और द बिग मैन तो ये हेडमैन और बिग मैन होते क्या है तो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी करा था इन दी न्यू गिनिया आपके मेलेनिशन आइलैंड हैं वहाँ पर वहाँ पर ऐसे टाइप के आपको पोलिटिकल लीडर्स देखने को मिलेंगे तो बेसिकली ये कोई फॉर्मल पोलिटिकल लीडर्स नहीं होते हैं ठीक है थीके? ये विदाउट फॉर्मल पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन इस टाइप के वहाँ पर आपको लीडर्स मिलेंगे तो ये कैसे अपनी बनाते हैं पोजिशन तो इनकी जो पोजिशन होती है ये ना तो हेडेटेटरी होती है ये सिंपली इनकी परसुएशन पावर और एम्पथी और ये कितना लोगों को रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है ठीक है कि लोगों को कितना जगह हमने पॉटलाच के बारे में भी पढ़ा था पॉटलाच में भी आप देखते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है अपनी सोसाइटल uh, स्टेटस को बढ़ाना चाहता है तो दीज बिग मैन दे फॉलो दी सेम uh, थिंग ये अपने जो स्टेटस है उसको ऊंचा करने के लिए दे पर्सेट पीपल दे गिफ्ट देम दे डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स अमंग्स देम एंड दैट इज़ वाई दे गेन अ काइंड ऑफ एन यू आप कह सकते हैं चौधरी वाला दर्जा हासिल कर लेते हैं ठीक है देन हमने यहाँ पे एज बेस देख लिया क्लब बेस देख लिया बिग मैन देख लिया और ये सारे हमने इधर वाले कवर कर लिए ठीक है अब हम आ जाते हैं आपके सेंट्रलाइज्ड में जिसके ऊपर चीफ डोम एंड स्टेट हम देखेंगे नाउ चीफ डॉम में अगर आप बात करें तो आपके इतने भी एथनोग्राफिक नॉलेज है रिलेटेड टू दी चीफ डॉम वो ये बेसिल पोलिनीशिया से मिलती है पोलिनीशिया में जो ट्राइब्स थे उनके ऊपर स्टडीज की गई थी उनसे हमें चीफ डॉम के बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिलती है ठीक है दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पोलिशिया के एक केस स्टडी भी देख लेंगे इन चीफ डॉम सोशल रिलेशन आर मेनली बेस्ड ऑन किनशिप मैरिज डिसेंट एज जनरेशन एंड जेंडर एज दे आर इन दी बैंड एंड ट्राइब्स बट अनलाइक बैन एंड ट्राइब्स हाव एवर चीफ डॉम्स आर कैरेक्टराइज बाई परेंट पोलिटिकल रेगुलेशंस ऑफ द टेरेटरी दे एडमिनिस्टर क्योंकि देखिए हमारे इसमें भी तो आपके बैन और ट्राइब्स में भी किनशिप होते थे मैरिज होते थे एज या जनरेशन वाइज हम डिवाइड करते थे चीज़ों को आपके चीव डॉम में भी उसी तरीके से हो सकता है लेकिन यहाँ पे आपके कुछ पॉलिटिकल या परमानेंट पॉलिटिकल रेगुलेशंस और लीडर्स uh, होते हैं अनलाइक The one in the uh, band and tribes. or the chiefdom hai, they constitute a political organization characterized by social hierarchy and consolidation of political power into a full-time specialist who control production and distribution of resources. See this is very difficult to understand. They are like very simple for you to understand. And uh, sometimes prestige of the leader and the family is also here but not always. The leader or the chief was bit like a big man बट दे आर वेरी रिलायंट ऑन देर persuading स्किल बट हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्स मतलब ये बिग मैन भी तो वही करता है अपने को इन्फ्लुएंशन बनाता है और लोगों का जो अपने ऊपर ध्यान है वो आकर्षित करता है चीफ डॉम में भी होता है लेकिन चीफ डॉम में जो लोग इज्जत करते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं वो लोगों को तो वो इसलिए होता है बिकॉज दे होल्ड सम काइंड ऑफ एन पोजिशन ऐसा ही नहीं कि वो बंटवारा कर रहे सॉरी लोगों को चीज़ें बांट रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ही इज बींग यू नो इन हैव अ गुड स्टेटस इन द सोसाइटी ऐसा नहीं है वो एक अपना एक पॉजिटिव रोल भी अदा करते हैं कहीं ना कहीं और जो आपके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे ये आपके बांगडा एंड बुनोरू ऑफ ओगांडा बेसिकली ये जो ट्राइब्स हैं इनमें आपको चीफ डॉम्स देखने को मिलेंगे और आपके एंशंट हवाई और पोलिनिशन में वे सिमिलर सिस्टम इज बीइंग हैविंग फॉर सेवरल लेवल्स ऑफ चीफ एंड चीफ डॉम आर आल्सो नोन हिस्टोरिकली फ्रॉम यूरोप एशिया साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट कैरेबियन आइलैंड पनामा कोलम्बिया आपके एमजॉन बेसिन में भी आपको इस टाइप के चीफ डॉम्प वाला सिस्टम देखने को मिलेगा एंड सक्सेसिव लीडरशिप यूजुअली वेल विद इन फैमिली लाइन तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सक्सेसिव ये हेरिडिटरी होता है एंड ऑल चीफ डाउन दैट हैली आइडेंटिफाइव बेस्ड ऑन हार्टीकल्चर और इंटेंसिव एग्रीकल्चर बिकॉज ये अल्टीमेटली इफ द चीफ डो नॉट है रिसोर्सेज टू टेक केयर ऑफ द सब्जेक्ट देन कोई फायदा नहीं है ठीक है क्योंकि उसकी एक जो पोजिशन होती है कि वो सबका uh, करता धरता है पालन हार है तो देर शुड बी सम काइंड ऑफ का सोसाइटी जहाँ पे उनको खाने पीने की चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो तो जब हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो मोस्टली हॉर्टिकल्चर या इंटेंसिव एग्रीकल्चर बेस्ड होती थी और इसके एक एक्सेप्शन है तो ये जो कि एक्सेप्शन है वो आप याद रख लीजिएगा कि जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ अमेरिकन के जो चीफ डॉम्स हैं वो आपके हॉर्टिकल्चरिस्ट या इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते दे वर द फॉरजिंग सोसाइटीज़ ठीक है तो ये एक आप मार्क करके याद रख लीजिएगा पैसिफिक या नॉर्थ अमेरिकन पेसिफिक नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जो चीफ डॉन्स है अदरवाइज मोस्टली एग्रीकल्चर इनका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज एंड ट्राइब लेवल सोसाइटीज आर वेन कंफ्लिक्टिटवीन दैम इट्स दट चीफ डोम इफेक्टिव इन वर्लफेयर दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दट चीफ डोम हैज टू इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस अब इनके क्या एडवांटेजेस होते हम देख लेते हैं कि इनकी पॉपुलेशन लार्ज होती है तो ये अपने एक लार्जर मिलिट्री फोर्स बना सकते हैं अब बैंड के केस में तो उनके पास है ही गिने चुने एक दस बारह लोग तो वो किसी के सामने क्या खड़े होंगे उनको तो अगर सामने से कोई एक ट्राइब आके उन पर हमला कर देती है दी गो ऑन राइट बट आपके चीफ डॉम्प के केस में ऐसा नहीं होता है और इन एडिशन टू दैट द चीफ डॉम्प चीफ्स कैन प्रोवाइड सेंट्रलाइज डायरेक्शन विट पोटेंशियली अलाउ मोर डिस एक्शन तो ये तो बहुत ऑब्वियस है अब आपको जहाँ दस लोग अलग अलग सलाह दे रहे हैं राय मशवरा दे रहे हैं उससे तो बेटर यही है ना कि एक कोई बोले एंड यू कैन फॉलो दैट तो ये आप कुछ एडवांटेज लिख सकते हैं अपॉन दी बैन एंड ट्राइब्स ऑफ द अचीव डॉम और एग्जाम्पल्स है ट्रबर और टोंगा आईलैंड पैसिफिक पॉलिनीस एंड ऑफ हवाइन आइलैंड देन आपके मोरियो ऑफ न्यूजीलैंड एनशेंट ओलम्पिक्स ऑफ मेक्सिको एंड द जुलो एंड अशांतिज ऑफ अफ्रीका कहीं ना कहीं हमने अलग अलग चैप्टर्स में इन ट्राइब्स में से किसी ना किसी को पढ़ा हुआ ही है राइट तो अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं तो आपके जो पॉलिनीशियंस ऑफ हवाइन आइलैंड हैं दे हैव एक्सटीडिंगली कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन हेरिडेटरी रैंक क्लास एंड थियोरक्रेसी एंड डिवाइन राइट्स थियोरक्रेसी बेसिकली आपके कहीं ना कहीं रिलीजन से भी बेस्ड हो जाती है ठीक है देन अमंग पॉलीनीशियंस देर आर थ्री हेरिडेटरी सोशल क्लासेस कॉमनर्स नॉबल्स एंड इन्फीरियर्स अब आप देखेंगे कि ये तो एकदम से जो पहले के यूरोपियंस हैं उस टाइप का कुछ ना कुछ ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं राइट कि इनके पास कॉमनर्स भी है नॉबल्स भी है और इन्फीरियर्स भी है उसी के बेसिस पर इन्होंने डिविजन कर रखा है दैन uh, जो आपके एग्रीकल्चर फिशरमैन और आर्टिशियंस होते हैं ये मोस्टली आपके कॉमनर्स की कैटेगरी में आते हैं जो नोबल्स होते हैं वो वॉरियर प्रिस्ट या पॉलिटिकल ऑफिशियल्स होते हैं जो हेरिटरी रैंकिंग होती है आपके नोबल्स की वो आपके डिसेंट के ऊपर बेस्ड होती है डिसेंट फ्रॉम गॉड या जिनोलॉजिकल ट्रेस कि अच्छा वो क्योंकि वो प्रीस्ट है या क्योंकि वो वॉरियर है और क्योंकि वो एक नॉबेल है बेसिकली तो प्योर ब्लड है सच काइंड ऑफ एंड थिंग्स दैट यू माइट फाइंड समवेयर एल्स एज वेल देन रैंक ऑफ इंडिविजुअल एंड सेगमेंट्स वर ट्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर बर्थ ऑर्डर तो ये सिमिलरली आपका जो यूरोपियन स्ट्रक्चर है जो वो फॉलो करते थे वैसा ही है कि उनमें भी तीन कैटेगरीज होती थी और वो बर्थ uh, ऑर्डर पे ट्रेस करते थे कि कौन सी किस फैमिली में किसने जन्म लिया है उस बेसिस पे उसकी डिविजन्स की जाती थी देन द हाइस्ट रैंक इज ट्रेस थ्रू दर्स्ट बॉर्न चाइल्ड एंड द आयरन्स आर डिवाइड इन टू चीव रूल्स बाई द पैरामाउंट चीफ एंड द पैरामाउंट चीफ वॉज एडमिनिस्ट्रेट एंड मेटेन थ्रू क्लस्टर ऑफ हाई रैंकिंग नोवल्स हु सर्व एज प्रीज काउंसिलर मिलिट्री लीडर्स तो देख रहे आप ये मोस्टली जो आपने जी एस वन में पढ़ रखा है कि कैसे किंग्स होते थे और उनके किंग्स के अलग अलग जो एसोसिएट्स होते थे उसी तरीके से इनका कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा और जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ चीफ चिपलम्स वेयर इन टर्न रूल बाय लोकल चीफ्स ऑफ हाई रैंक सिमिलरली कि आपने देखा कि आपका एक इतना बड़ा सा जगह है इसमें आपके अलग अलग जगह को डिवाइड कर दिया है इसके भी अलग अलग रूलर्स हैं और जो एक यहाँ पे बड़ा राजा है उनको सब लोग जाके रिपोर्ट करें तो सेम गोज़ विद दैम And, uh, being of the highest rank, and this दिस himself, the chief is approached the status of the god who conveyed to him these divine right. And the system was stable and immutable. तो बेसिकली ये अपने को भगवान से कम नहीं मानते हैं जो आपके पॉलिटिशियन हवान आइलैंड्स के जो चीफ चीफ डॉम्स होते हैं ठीक है और जो इनकी पॉलिटिकल फॉर्च्यून होती है चीफ की वो काफ़ी ज़्यादा होती है एंड यू वेन बाई दे सक्सेस इन होल्डिंग द चीफ डॉम्स टुगेदर इन द फेस ऑफ इंसरक्शन एंड इंट्रू तो यहाँ से हमने ये चीफ डॉम कवर कर लिया है नाउ विल टॉक अबाउट स्टेट अगर हम स्टेट की बात करें तो सी स्टेट आपके मोरर लेस जो सोसाइटीज होती है वहाँ पे आपको लार्ज स्केल इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा एंड दे बिगिन एस चीफ डॉम एंड देन इवाल्व इन टू मोर सेंट्रलाइज्ड ऑथोटोरियन किंगडम वेन देयर पॉपुलेशन ग्रू इन टू टेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल तो आपको चीफ डॉम में और स्टेट में एक काफ़ी स्मूद ट्रांजेक्शन तो आप नहीं बोल सकते लेकिन हाँ एक काफ़ी थिन लाइन देखने को मिलेगी जहाँ पे आप देखेंगे कि चीफ डॉम ही इवेंचुअली आगे आपके स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और इवॉल्व हो जाता है क्यों क्योंकि जो इनके फीचर्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपको वही वही स्टेट में भी देखने को मिलेंगे लेकिन इनमें वो थोड़ा सा जो चीफ होता है वो अपने आप को भगवान से कम तो मानते नहीं है लेकिन स्टेट के, के केस में आप कहीं ना कहीं देखेंगे ये चीज़ें डाइल्यूट होती चली जाती हैं ठीक है कि उसके बाद अथॉरिटी तो होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान ही है ठीक है वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर इन करती हैं तो दैट इज़ वॉट यू कैन से इज़ द मेन डिफरेंस और इस टाइप की आपको देखने को मिल जाएंगे अर्ली किंगडम्स ऑफ एंशेंट इजिप्ट में मेसोपोटामिया में जो आपको आज के डेट में इराक में मिलेगा वहाँ पे आपको इस टाइप का स्टेट सिस्टम देखने को मिल जाएगा ऑल दो इजिप्ट के जो फरोहाज होते थे दे दम सेल्फ कंसिडर टू बी यू नो मोर प्लेसेबल लाइक अ गॉड उनमें भी इस टाइप की टेंडेंसीज थी बट हाँ मोस्टली जो आपके चीफ डॉम्स होते हैं उस टाइप की आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है तो कुछ एग्जाम्पल्स आप स्टेट का इजिप्ट और मेसोपोटामिया वाला लिख सकते दट वुड भी वेल एंड गुड तो हेयर यू कैन सी आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा देन मेसोपोटामिया तो है ही आपके इजिप्ट के यहाँ पे है ही देन इंडस uh, जो रीजन है ऑल यहाँ पे किस टाइप का uh, चीफ डॉम एग्जिस्ट करता था या स्टेट एग्जिस्ट करता था उसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं हमें बट हाँ यू कैन जनरली कंसिडर कि अगर उस टाइम पे जो ये आपस में Uh, आप कह सकते हैं एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे तो मे तो बी तो सेम सिस्टम फॉलो करते होंगे देन ये मेजो अमेरिका और ये इंडियन रीजन ये सब भी हमने पहले जब सिविलाइजेशन में कवर किया था वी सॉ ऑल दीज थिंग्स राइट और ये जितने भी हमने अर्ली सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखे यहाँ पे आपको कुछ इलीट क्लासेस देखने को मिलेंगे ठीक है जो आपके टॉप ऑफ द हाई में होते हैं एंड दे आर मोस्टली द किंग्स और द रॉयल फैमिली और अगर आप इस चीज़ को इस डायग्राम के हेल्प से समझना चाहें तो बेसिकली यू कैन सी ये आपके ये जो कॉनिकल क्लान ऑफ चीफ डॉन्ग्स हैं मान लीजिए ये क्लान ए है क्लान बी है एंड क्लान सी है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो क्लान बी है दे इवेंचुअली रोज टू दी सुप्रीम चीफ ठीक है इनके क्लान में से कोई सुप्रीम चीफ जाके बना इट मे हैपन की एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये क्लान ए आज विलेज हेड है ये क्लान सी आज विलेज हेड है कुछ जनरेशन के बाद काइंड ऑफ एन इंटरचेंज कैन हैपन ठीक है बट इन केस ऑफ स्टेट इफ़ यू सो तो ये चीज़ें फिक्स्ड होती हैं ओरिजिनल क्लान है आज राजा का बेटा कल राजा ही बनेगा यहाँ पे वही चीज देख सकते हैं हमने ये पहले एक चीज पढ़ी हुई है की आपके कैसे पॉलिटिकल पावर की वजह से आपके वेल्थ इंक्रीज होता है आपका स्टैटस इंक्रीज होता है तो फिर आप टू प्रेजेंट इन दैट मैनर यू कैन यूज सच अफेंट पेरे चार्ट हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात कर ले आप स्टेट्स हैं स्पेशली एनशियट स्टेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दे वर फार फ्रॉम बीइंग एग्लेटेरियन क्योंकि वहाँ एग्लीटेरियन तो होता नहीं था एक किंग कहीं और जाके बैठा होता था और जो कॉमनर्स uh, होते थे उनका सोसाइटी में पोजिशन कुछ और ही होता था एज यू कैन सी जो फरोहाज होते थे ऑफ इजिप्ट दे आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस बिकॉज वो आप अपने आप को गॉड किंग मानते थे ठीक है वो अपने आप को भगवान से कम नहीं आंकते थे तो दैट वॉज द डिफरेंस और uh, जो मोस्ट एनशियट स्टेट है दे हैड स्लेवरी आपको स्लेवरी के एग्जाम्पल्स बहुत जगह मिलेंगे इजिप्ट और मोसिफिटानियम तो आपको स्लेव्स मिल ही जाएंगे और वो स्लेवस बेसिकली आप मान सकते हैं उनका पूरा जो उनके मास्टर्स होते थे उनका पूरा का पूरा उनके ऊपर कंट्रोल होता था दे कुू एनी थिंग टू डेम ठीक है और जो स्लेव्स के जो बच्चे होते थे उनको भी uh, कहीं कही ना कहीं पे आप देख सकते हैं स्लेवस चेज फादर बाई देर ओनर समटाइम्स एक्वायर्ड फ्रीडम एंड फार हायर स्टेटस वेल्थ एंड पावर देन दैट ऑफ द कॉमनर और जो आपके स्लेव्स के बच्चे क्योंकि कभी कभी ये भी होता था जो स्लेव्स है दे बिकम सेक्स स्लेव्स टू दीज इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियंस तो वो जो बच्चे होते थे उनसे दे काइंड ऑफ एन एक्वायर हाई स्टेटस इन दोसाइटी सम वॉट लेकिन जो स्लेवस uh, होते थे उनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय होती थी खराब होती थी अब हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा है इफ़ यू सी कि जो आपका बैंड हमने सबसे पिरामिड के आप कह सकते हैं नीचे देखा था बैंड में एक बैंड लीडर हो सकता है जो कि सिचुएशनल होता है देन वी स्टडीड अबाउट ट्राइब ट्राइब के अंदर आपके हेडमैन हेड वन कोई भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप के डिविजन्स हम कर रहे हैं देन चीफ डॉर्म्स होते हैं चीफ डॉम के अंदर आपके चीफ होते हैं देन स्टेट जिसके अंदर आपका किंग क्वीन या प्रेसिडेंट आप मान लीजिए वो हो सकते हैं हम अगर समराइज करें जो हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ सस्टेनेंस देखा था कम्युनिटी का साइज़ देखा था सोसाइटी uh, किस तरीके की थी और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं पढ़ा था तो डिस्ट्रीब्यूशन हम इसी चार्ट में देख लेंगे सी आपके बैंड के अंदर वो हमने देखा था वो मोस्टली हंडर्स और गैदर्स ही होते हैं कम्युनिटी साइज स्मॉल होती है उनके दस ग्यारह लोग होते हैं एग्लेटेरियन होता था हमने देखा है और ये रेसिप्रोसिटी पे काम करते हैं रिमेंबर हमने रेसिप्रोसिटी के बारे में पढ़ रखा है तो दिस इज वॉट द रेसिप्रोसिटी रेसिप्रोसिटी दे फॉलो दैन ट्राइप uh, की अगर हम बात करें तो ये एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हर्डिंग इनका भी बहुत बड़ा नहीं होता है बट हाँ लाइक बिगर दैन दी बैंड बट स्मॉलर दैन दी चीफ डॉर्म्स एम ऑल और यह भी इग्लिटेरियन होता है रेसिप्रोसिटी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं दे चीफ डर्म्स जो होते हैं ये आपके एक्सटेंसिव या इंटेंसि एग्रीकल्चर फॉलो करने वाले होते हैं ये लार्ज कम्यूनिटीज़ होती हैं और यह सोशल आप जो आपका सोशल डिफ्रेंसिएशन है वो रैंक होता है ठीक है लोगों का डिविजन किया जाता है उस बेसिस पर चीज़ें होती है यहाँ पे आप रेसिप्रोसिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही फॉलो करते हैं जो आपका स्टेट है वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉलो होता है ये सिटीज या टाउन्स में मिलेगा आपको कास्ट और क्लास के ऊपर डिवाइड तो होता है यहाँ पे कॉमनर्स एंड द किंग दे आर ऑल डिवाइडेड और ये मार्केट एक्सचेंज पे काम करता है ठीक है जिसके पास जो स्टेटस uh, है जितना पैसा है वो उतना ही चीज़ कंज्यूमरिज्म uh, की तरफ जा सकता है और उतना ही चीजें को खरीद सकता है right. और यहाँ पे चीपडम और स्टेट में आपको डिफ्रेंशिएशन uh, करने के लिए पूछ लिया जा सकता है तो हमने जितनी सारी चीज़ें पढ़ी थी ना वही सारी चीज़ें पे मैंशन है नथिंग वेरी डिफरेंट बट हाँ दिस इज टू फॉर यू टू काइंड ऑफ एन रिकॉल एंड रिमाइंड योर सेल्फ देन हम अब एक स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात कर लेते हैं ठीक है हमने आगे पहले उनके बारे में तो पढ़ा है लेकिन हमने पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ी है और कैरेक्टरिस्ट फॉलो आप अपने आप से लिख भी सकते हैं बट हियर वी विल जस्ट सी फॉर अ वाइल्ड जो आपके स्टेट होते हैं स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम वो ऑटोनोमस पॉलिटिकल यूनिट होते हैं दैट मेनी कम्युनिटीज विद इन द टेरिटी ऐसा तो है नहीं एक स्टेट में पॉलिटिकल सिस्टम है और वो एक ही कम्युनिटी का होता है इट कैन लाइक इनकम पासिस वेरियस अदर कम्युनिटीज और ये सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होता है विद पावर टू कलेक्ट टैक्स इंगेजमेंट फॉर वर्क और वॉर डिग्री और इन्फोर्स लॉ ये आप प्रेजेंट स्टेट को ले लेना जो हमारे इंडिया है उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इजिल याद हो जाएंगे जो आपकी स्टेट है दे दिस चार्जेज फंक्शन थ्रू दी गवर्नमेंट वो इलेक्टेड भी हो सकती है कैसी भी हो सकती है बट स्टेट हैज अम्प्लेक्स सेंट्राइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दट इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूटिव लाइक लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव जुडिशरी और जो स्टेट होती है दे ट्राई टू मेनटेन मोनापली बाई दूज ऑफ फिजिकल फोर्स सच एज पुलिस फोर्स एंड आर्मी और जो मॉडर्न नेशन स्टेट है चीव नम आर द एक्साम्पल ऑफ स्टेट सिस्टम्स ठीक है और जब हम स्टेटलेस की बात करते हैं तो आप अगर ट्राइबल सिस्टम या फिर मेरे सोसाइटीज को इमेजिन कर लेंगे तो आसान हो जाएगा ये स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं ये ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं हेयर लॉज आर नॉट रिटन आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है इनमें नहीं होता है ऑल तो बहुत सारी ऐसी आज की स्टेट सिस्टम है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है बट हाँ इनको क्लासीफाई uh, करने के लिए इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनके पास तो नहीं ही नहीं होता है ठीक है इनके पास ऑप्शन ही नहीं है देन इट हैज़ अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन द इंडिविजुअल राइट एंड प्रिविलेज यहाँ पे हम इंडिविजुअल राइट right की बात करते हैं लेकिन इनके पास ये कलेक्टिवली ज़्यादा काम करते हैं ये एज अ होल सोचते हैं ठीक है एंड द मोड ऑफ पनिशमेंट इज डिटरेंट विच मी मे बी अवॉडेड नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट टू एनी किंग्समैन ऑफ़ द एक्यूज तो ये एक तरह का सिस्टम होता है कि आप कलेक्टिव uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अगर आपके परिवार में किसी ने गलती की है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है दैट इज वॉट द काइंड ऑफ पनिशमेंट सिस्टम दैट दे फॉलो ऑफ द स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है और आज की डेट में क्या होता है वो तो आपको पता ही है so we'll not go on to that then evidences are based not only on the presence of witness but on the mode of oath and ordeal see ye jo oath and ordeal hai ye jo punishment system hai although abhi ke liye aap yahan pe yaad rakh lijiye inki detail hum aage jab padhenge aapki religion उसके अंदर detail में आपको ये जानना है कि ordeal क्या होता है oaths क्या होता है और किस type का uh, laws society सोसाइटी में फॉलो किया जाता था ठीक है और मैजिक और रिलीजन इनके एक इम्पॉर्टेंट अंग होते हैं

तो दे यू कैन राइट कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड uh, मोनार्की होती है बिकॉज स्टेट में जनरली आपको ज़रूरी नहीं है कि मोनार्की ही हो ठीक है

जो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं और यहाँ पे आपको पैलेस प्रिंस प्रीस्ट ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी देन इनके कुछ होली डेज और रिचुअल्स होते हैं जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सी स्टेट में जरूरी नहीं है दट द स्टेट हैव अ होली डे और अ रिचुअल टू बी फॉलोड इट मे और मे नॉट राइट बट इन केस ऑफ किंगडम्स यू विल फाइंड सच थिंग्स हैपनिंग कि अगर कुछ एक सेलिब्रेशन होती है तो इंटायर किंगडम इज सेलिब्रेटिंग फॉर दैट देन दे हैव सम पावर ऑब्जेक्ट्स कुछ तलिशमाज और चार्म्स होते हैं उनके तो बेसिकली अगर आप ये आ, पुरानी जो स्टोरीज होती हैं उनमें देखेंगे तो यू विल बी इजली एबल टू रिलेट रिलेट टू इट इवन इन दैट केस बाहुबली वुड बी अ गुड एग्जाम्पल राइट इनकी कुछ कैपिटल सिटीज होती हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स uh, हैं जो आप अगर किंगडम uh, के लिए लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं इज नथिंग लाइक मोर टू एक्सप्लेन टूट नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू वैल्यू एडिशन्स ठीक है हमने देखा कि बैंड्स आर नॉट फाउंड इन प्रेजेंट डे सोसाइटीज़ और आज की डेट में हार्डली आपको कहीं देखने को मिलेंगे तो ये बैंड डिस्मैंडेड क्यों हो गए वाई नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ इन बैंड्स इन प्रेजेंट डे सोसाइटी तो इसके पीछे अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो यू कैन फर्स्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड दे uh, कि जो एसोफिलस uh, बैंड uh, थे बिकॉज एसोफिलस एज वी नो ये आपके बैंड और ट्राइब्स में कोई ऐसे फॉर्मल लीडरशिप नहीं हुआ करती थी ठीक है तो ये जो एसोफिल्स बैंड थे और uh, ट्राइब्स थे दे इवेंटार्ट मूविंग टूवर्ड्स द चीफ डोमैन फाइनली जो स्टेट वाला स्टेट आया तो ये आपके uh, लगभग जो आई सेज था उस टाइम से ये चीज़ें शुरू हो गई थी ठीक है द एवोल्यूशन स्टार्टिड और uh, बहुत सारे जो आर्क्योलॉजिस्ट है और एंथ्रोपोलॉजिट है जिन्होंने पोलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्टडी करी तो उनके हिसाब से मोस्टली वर लाइक काइंड ऑफ एन पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रांजेशन दैट वॉज अनएडेबल गिविंग द इकोनॉमिक क्योंकि इस टाइम में जो ये पूरा का पूरा एक ट्रांजिशन पीरियड था ठीक है तो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आए उनके सोसाइटी uh, में बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स पर्टेन्ट फॉर देम टू यू नो इवॉल्व और वो इकोनॉमिक चॉइसेस क्यों बनाने पड़े क्योंकि एक मेजर इन्वायरमेंटल चेंज आया था उस समय और साथ ही साथ जो आपकी पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ने लगी थी पहले छोटी छोटी सोसाइटीज हुआ करती थी, थी फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ता गया और साथ ही साथ एन्वायरमेंट में ड्रास्टिकली चेंजेस भी आए हमने प्लेस्टोसिन और मायोसिन जब ये सारे एपूट्स पढ़े थे वी डिस्कस्ड कि कैसे ग्लेशियर एज के बाद आपके सारे जितने भी ये थे बेसिकली uh, जो आपके आयरन uh, एज और ये सारे एजेस आए वो कैसे इवॉल्व हुए तो ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं ना अलग अलग लेक्चर्स uh, में हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप इसको उस तरीके से देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा था उस हिसाब से बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते थे लोगों को जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक लीडरशिप की uh, जरूरत लगने लगी एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की जरूरत लगने लगी और ये जो आपका क्लाइमेट था ड्रामेटिकली अल्टर्ड क्लाइमेट एट द एंड ऑफ द लास्ट

आगे चल के जैसे ये चीफ नॉर्म्स और स्टेट्स में कन्वर्ट हुए तो स्टेट में भी स्टॉक इंटेंसिव एग्रीकल्चर शुरू हो गया था तो जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई और यहाँ पे एज यू कैन सी कि बहुत सारे जो हंटिंग एनिमल्स हुआ करते थे जो ये बैंड्स हंट uh, करते थे और उससे uh, अपनी लाइवलीहुड चलाते थे दे वो काइंड ऑफ एन डिसअपियरिंग एंड दे लाइक फेल्ट द नीड ऑफ अ सेडेंट्री लाइफ और मे बी काइंड ऑफ एन एग्रीकल्चर और उस टाइम पे कुछ न्यूलिथिक uh, पीरियड आप देख सकते हैं न्यूलैटिक के टाइम पे व्हेन एग्रीकल्चर स्टार्टेड सो बेसिकली दे स्टार्टेड लिविंग अ सेडेंट्री लाइफ दे वे फॉरगोइंग हंटिंग एंड गैदरिंग एंड इफ दे हैव अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर uh, मान लीजिए पांच लो सॉरी uh, पचास लोग इस जगह पे रह रहे हैं तो दे काइंड ऑफ़ नीड एनी who can uh, be the leader who can take the decisions on behalf of them because every time it's not possible uh, like in case of uh, some emergency or something that they will consult every 50 of them and then take the decision so human overexploitation may have been the contributing factor as well and at the same time vast lowland areas

और आपके लीडरशिप में भी बदलाव आता गया एंड आवर एनसेस्टर्स वे फेस्ड विद डेलेमा वेर कुड फूड बी फाउंड टू फीड द इवन लार्जर नंबर ऑफ माउथ्स एंड इन द एरिड रिवर वैलीज दे वर टू बिकम द सेंटर ऑफ मेजोरिटी ऑफ एंशियन सिविलाइजेशन क्योंकि हमने जब सिविलाइजेशन भी पढ़ी थी वी सॉ और हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पिक्चर में देखा था कि जब मेसोपोटामियम हो गए आपके ग्रीक हो गए इवन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल दे देवर सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स ठीक है ये रिवर बैंक्स के बगल में थे क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड था और यहाँ पे उस टाइप के एनिमल्स इनको हंट करने के लिए नहीं मिल रहे थे तो इवेंचुअली दे अडॉप्टेड टू दिस लाइफ स्टाइल तो ये सारी चीज़ें वहीं पे वही मेंशन है यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए तो बेसिकली दिस इज अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि आप इसको लिख सकते हैं ठीक है और हॉर्टिकल्चर और पेस्ट्रोलिज्म आपके सक्सेसफुल हो गए थे उस टाइम तक जो कि आपके पॉपुलेशन डेंसिटी की जो फूड रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर सकते थे हवेल मेनी ऑफ दिस सोसाइटीज कंटिन्यू टू गेट बिगर चीफ डॉम बिगम अ कॉमन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यू सोशल सोसाइटल ग्रोथ एंड द नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप वॉज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर दिस मेड द क्रिएशन ऑफ एंशियन स्टेट ऑलमोस्ट इनवेटिटल जो आपका ट्रांजेक्शन था उसी को देखते हुए आप लिख सकते हैं और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पॉपुलेशन फैक्टर डिसीजन मेकिंग इन सारे को इंक्लूड करके यू कैन कंक्लूड योर आंसर ठीक है देन अब वाइड डिड वी डेवलप स्टेट

जो आपके कॉलोनियल एम्पायर इनको आप बोल सकते हैं देन हेजेमोन विदाउट कॉलोनीज और जो फाइनली आपका आज का ग्लोबल स्टेट है क्योंकि हम जब स्टेट की बात करते हैं ऑल जो अभी हम पढ़ रहे हैं स्टेट हम मैंने आपको बताया बताइए ग्लोबल स्टेट आपकी साइंस uh, वाले में कवर हो जाएगा अच्छी तरीके से ठीक है हमने अभी जो बात की है ना थी, ना ही हमने हेजमॉन विद कॉलोनियल एम्पायर तक बात की मोस्टली वी आर सिचुएटेड हेयर आप बोलेंगे ये स्टेट और कोर वाइड एम्पायर इन तक हमने बात की है ये जो हैजमोन विद कॉलोनी एम्पायर और विदाउट कॉलोनीज ये वाले तो हमने अभी कवर भी नहीं करी है बट इवेंचुअली जो आज का प्रेजेंट डे है इट गोज द ट्रांस द ट्रांजेक्शन गोज लाइक दिस ठीक है और उसमें भी आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म ट्रांजिशन है कई बार बहुत सारे चेंजेस आए हैं अलग अलग तरीके के तो उतना हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है आप अगर पॉलिटिकल साइंस लेते आई आर लेते तो उसके लिए आपको ये पूरा ट्रांजिशन पढ़ने की जरूरत है थी, ठीक है अभी के लिए आप ये ग्राफ को बना सकते हैं फॉर इट्स लाइक बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इसके पीछे जो अब ये ट्रांजेसन है ठीक है ये स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके पीछे जो ट्रांजेसन है इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज uh, हैं जो दिए गए हैं मोस्टली इसके अंदर वॉलेंटरिस्टिक थ्योरी है हाइड्रोलिक थ्योरी है और क्वरशिव थ्योरी है तो सी अगर आंथ्रोकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम ये आंसर पहले से प्रिपेयर करके रखें क्योंकि ये जब थ्योरीज की बात करते हैं तो इट नीड नॉट टू बी लाइक कि सभी को पता होगा सबने स्टडी किया होगा चीजें जो अभी like चीज है कि हाँ ये तो रीजन uh, हो सकते हैं it, uh, like लेकिन जब हम यहाँ पे uh, बात कर रहे हैं डेवलप स्टेट की आप उस तरीके से लिख सकते हैं जो हमने बैंड वाला किया था बट यहाँ पे कुछ थ्योरीज uh, के बारे में आपको बता रही हूँ सो दैट इन केस अगर आपको याद रहता है तो अगर आप करेंगे ना तो अच्छा होगा ऑल दो अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये आपके डायरेक्टली एंथ्रोपोलॉजी uh, में नहीं है ये पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं उनको ये पढ़ना होता है ये सारी थ्योरीज लेकिन आप अगर जान लेंगे तो कोई बुराई नहीं है ठीक है तो हम एक एक करके ये थ्योरीज देख लेते हैं वॉलन्टरिस्टिक हाइड्रोलिक एंड कॉमसिक सो जो वॉल्टियरिस्टिक uh, थ्योरी है इट वॉज गिवन बाय वी गॉड चाइल्ड गॉर्डन चाइल्ड जो कि एक ब्रिटिश ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी इन्होंने अज्यूम किया था दैट द पीपल मेड रेशनल इकोनॉमिक डिसीजन दैट लेड डेम इन एविटेबली टू डेवलप द फर्स्ट स्टेट सी मोरल लेस जो हमने बैंड में डिस्कस किया था यही तो है उन्होंने उन्होंने भी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ही तो की थी बिकॉज ऑफ दैट दे देवॉल्ड राइट तो इन्होंने ये जो थ्योरी है उसको गॉर्डन uh, चाइड ने वॉल्टियरिस्टिक थ्योरी नाम दिया था एंड चाइड सजेस्टेड दैट द फूड सरप्लस क्रिएटेड बाय अर्ली एग्रीकल्चर अलाउड सम इंडिविजुअल to spend increasing time in developing more sophisticated weaving pottery and other manufactured products while some other became full time trader to distribute surplus food and luxury items again

उसमें उतना ज़्यादा नहीं कमा पा रहे तो वो एक नीचे स्तर पर है ठीक है लेकिन जो ऊपर उठ गए जिन्होंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए है दे स्टार्टेड क्रिएटिंग काइंड ऑफ इन सोशल प्रेशर अस अदर ठीक है और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया क्योंकि धीरे धीरे ट्रांजेक्शन आ रहा है चेंज आ रहा है तो पीपल आर नॉट दैट मच रेजिस्टेंट टू इट एंड दीज चेंजेस क्रिएटेड द नीड टू डेवलप न्यू पॉलिटिकल सोल्यूशन क्योंकि अब देखिए अब सोसाइटी में इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं कुछ लोग हैं जिनका पावर इन्फ्लुएंस पैसा सब बढ़ता जा रहा है तो एक कोई ना कोई एक ऐसी पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए था जो कि हर चीज़ों में डिसीजन मेकिंग कर सके कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो तो उसको शॉर्ट आउट कर सके लोगों की जो नीड्स है उसका ध्यान रख सके एंड अ मोर सेंट्रलाइज एंड लेस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम वॉज द आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस इन मोस्ट केसेज तो यहाँ पे देख लीजिए लेस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जब हम आज के डेट में बात करते हैं वी जनरली इन इंडिया आप तो मानेंगे कि हाँ हम लोग एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब आप पहले की बात करें जो ये एवोल्यूशन हुआ था ऑफ द स्टेट्स, तो जरूरी नहीं है कि इस टाइप के एवोल्यूशन में क्योंकि यहाँ तो मोस्टली आप देख रहे हैं इकोनॉमिक रीजनस है आ, लोगों को आ, कुछ आ, जो उनके इकोनॉमिक एक एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करने के लिए ऑक्यूपेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक लीडरशिप चाहिए तो ये आप कह सकते हैं कि ऐसे डेमोक्रेटिकली कुछ नहीं था कि हाँ हम इसको बोलेंगे तो वही होगा जिसके पास अपॉर्चुनिटी है जिसके पास इन्फ्लुएंस है दैट पर्सन कैन बी द वन ठीक है एंड अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डे सेल्फ इफॉर्म सेल्फ इंटरेस्टेड लेट पीपल टू एक्सेप्ट द न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो ये बेसिकली आपकी वॉलंटेरिस्टिक थ्योरी थी कुछ ईजी सी है बहुत ज़्यादा नहीं है बस एक नाम ही है अगर आप इतना भी याद रख ले तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा एंड ड्यूरिंग नाइनटीन फिफ्टीज के टाइम में एक जर्मन हिस्टोरियन थे कार्ल एंड अमेरिकन आर्क्योलॉजिस्ट थे जूलियन स्टीवर्ड इन्होंने दी थी हाइड्रोलिक थ्योरी ठीक है रिमेंबर तीन थ्योरीज हमने बात की हाइड्रोलिक थ्योरी क्या कहती थी दिस प्रपोज दैट स्टेट लेवल पॉलिटिकल सिस्टम अरोज आउट ऑफ द नीड टू कंस्ट्रक्ट एंड मैनेज लार्ज स्केल इरीगेशन सिस्टम नेसेसरी फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर विद इन द एरिड रिवर वैलीज एंड एलैबोरेट इरीगेशन सिस्टम रिक्वायर्ड लीडरशिप टू ऑर्गेनाइज द लेबर नीडेड फॉर दिस पर्पज तो अब हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक से आप हाइड्रो uh, वाटर याद रख सकते हैं एंड वाटर से इरिगेशन याद रख सकते हैं तो जो ये सेंटर पॉइंट था ऑफ दिस हाइड्रोलिक थ्योरी कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए थी क्योंकि उस टाइम पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना था एंड बिकॉज ऑफ़ दैट दे नीडेड सम काइंड ऑफ एन लीडरशिप एंड जो ये दोनों um, हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट थे आर्ग्यू दैट वंस द लीडरशिप है कम इन टू एग्जिटेंस लोकल कंट्रोल वुड इक्रीजिंगली पास टू दी परमेंट सेंट्रलाइज्ड रूलिंग क्लास एंड दैट एलीड क्लास वुड बी एबल टू कंट्रोल फार्म बाई डिनाइन वॉटर टू हू रजिस्टर देर अथॉरिटी सी अल्टीमेटली अब जिसके पास पावर आ जाएगी जिसका सिक्का जिसकी चा भी उसी का सिक्का चलेगा राइट तो ये वही वाली चीज है कि जिसने पानी कंट्रोल करना शुरू कर दिया एंड दैट बिकम्स द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेज दैन ही कैन काइंड ऑफ एन डिक्टेट दोसाइटी ठीक है सो और लास्ट वाली जो थी वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट कैडियो ने दी थी इनको कहते हैं हम क्वरसिव थ्योरी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन और इसने क्या प्रपोज किया था दैट द स्टेट डेवलप एज अ मीन्स ऑफ मोबालाइजिंग आर्मीज टू कंकर कम्पिटिटिव नेबरिंग पीपल यानी कि इनका बेसिकली ये वॉर वेजेस और अपने एक्सपेंशन को लेके है ठीक है क्वरसिव थ्योरी और इन्होंने ये सजेस्ट किया था दैट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर इन द अर्ली एग्रीकल्चर सोसाइटीज वुड हैव रिजल्टेड इन एन इंटेंसिव कॉम्पिटन विद इन अदर सोसाइटीज़ फॉर स्केयर रिसोर्स सच एज लैंड वाटर और एंड वुड सो बेसिकली इनका यही माना था जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और ये बढ़ती पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी बढ़ती जा रही थी ठीक है तो इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन्होंने क्या किया एक्सपेंशन इस टाइप की पॉलिसी अपनाई कि चलो अगल बगल हम जितने हमारे नेबर्स हैं उनको जाके लूटते हैं उनका जो रिसोर्स है वो इस्तेमाल करते हैं दैट इज हाउ So, थोरीज तो uh, जो जो थी और जो प्राइम मूवर्स थ्योरीज हम इन तीनों को बोलते हैं इनके भी अपने अपने कुछ आप कह सकते हैं मेरिट्स भी थे डिमेरिट्स भी थे सो ईच वाइब अ पीस ऑफ द पजल इन्होंने आपने देखा तीनों ने अलग अलग चीजें बोली एक ने बताया कि एग्रीकल्चर था देन वेल्थ आया उससे एवोल्यूशन हुआ देन दूसरे ने बोला इरिगेशन था उससे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आया देन उससे बना देन तीसरे ने बोला क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया और रिसोर्स की जरूरत थी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी आई उससे बढ़ा तो ये तीनों एक अलग अलग डिफरेंट uh, डायरेक्शन में ही बोल रहे थे एंड इट इज प्रोबेबली मोस्ट रियलिस्टिक टू थिंक ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ एंस्टर्न स्टेट

इनकी इंटरमिंगलिंग हो सकती है बट कैन नॉट बी अ सिंगल थ्योरी दैट इज मोर एक्सेप्टेबल एंड जस्ट अट अ मल्टी कॉज एक्सप्लेनेशन वॉज प्रपोज बाय द अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट एडम इन नाइनटीन फॉर द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्ली स्टेट्स ऑफ मेसोपोटामिया सी ये वाला एग्जाम्पल आप और भी कहीं यूज कर सकते जब हम स्टेट के बारे में लिख रहे हो ठीक है कि ये जो थ्योरीज तो थी ही लेकिन इन थ्योरीज की इंटरमिंगलिंग का जो एक आप कह सकते हैं इंटरमिंगल करके जो एक सोल्यूशन बताया था दैट वॉज रॉबर्ट एडम और इन्होंने uh, किसके एवोल्यूशन को स्टडी किया था ऑफ द मेसपोटामियम ही ऑब्जर्व द चेंज इन सोसाइटीज कल्चर एंड एनवायरमेंट आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे लाइक द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कि एक चीज अपने आप में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी वो बहुत सारे फैक्टर्स थे uh, जो उसको इवॉल्व होने में हेल्प कर रहे थे एंड एडम इवन सजेस्टेड दैट वाज यूजुअली बिकॉज दे हैड बेटर रिसोर्सेज बेसिस वेयर एबल टू कंट्रोल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओवर द लार्जर एरियाज और इन्होंने आपने जो जितने भी थे ना चाहे वो इरिगेशन वाली बात हो चाहे पॉपुलेशन एक्सपेंशनिस्ट वाली बात हो चाहे वो आपके एग्रीकल्चर वाली बात हो ये तीनों ही चीज़ें आपके मेसोपोटामिया पे फिट बैठ रही थी एंड दैट इज़ हाउ द इंटायर एक्सप्लेनेशन वाज़ गिवन बाय रॉबर्ट एडम ठीक है तो आप ये तीनों मूवर्स थ्योरी का एक कंसोडेशन लेके यू कैन कंक्लूड योर आंसर देन uh, ये वाला पिक्चर आई जस्ट इंक्लूडेड सो दैट यू गेट टू नो कि हमने जो uh, बात करी थी वेरियस एजिस uh, की अगर आप मेजोलिथिक न्योलिथिक ब्रॉन्ज एज आयरन जी एज देखे तो मेजोलिथिक के टाइम पर आपको ये बैंड देखने को मिल जाता ठीक है और ये इग्लिटेरियन कम्यूनिटीज होती थी और ये किस टाइप के इनके लेबर हुआ करते थे किस टाइप का इसमें वॉयलेंस हुआ करता था और किस टाइप के ट्रेड uh, नेट्स हुआ करते थे दट यू कैन सी आप देखिए स्केल ऑफ वॉयलेंस धीरे धीरे बढ़ता ही गया क्योंकि जैसे जैसे किंगडम हुई कॉम्प्लेक्स हायर की हुई लोगों ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी दैट इज वाई द स्केल ऑफ वॉयलेंस और वॉर ये स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर भी आप देखें क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चर भी बढ़ा हमने देखा अभी जस्ट कि uh, कैसे लोगों ने अलग अलग ऑक्यूपेशंस लेने शुरू कर दिए किसी ने वीविंग पॉटरी ये सारी शुरू कर दी तो ये स्पेशलाइजेशन ऑफ़ लेबर भी एक तरह से सभी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही है दे आर ऑल गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ठीक है और uh, आपके नियोलैथिक के टाइम पर आपको ट्राइब्स देखने को मिलेंगे एंड देन ब्रॉन्च एज में आपको चीफ्स टैन एंड देन फाइनली आयरन एज में जब आपके यू कैन फाइंड सॉड एंड एवरीथिंग थिंग देर यू विल फाइंड द किंगडम ठीक है जो आप किंगडम या स्टेट दोनों ही बोल सकते हैं देन आप क्विकली हम बस बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम द इंडियन ट्राइब सी ऑल दो पेपर टू में आपको बहुत सारे इन इंडियन uh, ट्राइब्स के बारे में पढ़ना ही है लेकिन कभी कभी आपको पेपर वन में भी ट्राइब्स से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ठीक है ऑल दो यू कैन राइट द आंसर यूजिंग द नॉलेज ऑफ द पेपर टू एज वेल बट हेर राइट जस्ट इंक्लूडेड टू ट्राइब्स एक तो आपके जॉंग जॉंग्स एंड uh, दूसरे कॉन्स ठीक है ये दोनों जो इंडियन ट्राइब्स हैं इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट यू कैन मेंशन ये आप पॉलिटिकल सिस्टम आप देख सकते हैं इसमें कुछ समझाने वाला वैसा कुछ है नहीं लेकिन आपको कुछ नाम याद रखने दैट एल टेल यू आपको सुरजीत सिन्हा एंड हरमन कोलके का नाम याद रखना है जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया जो ट्राइब्स की पॉलिटिकल सिस्टम थी इस पर काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडीज़ करी थी और एक जो बुक का नाम आपको याद रखना है दैट इज़ ट्राइबल पॉलिटिक्स एंड स्टेट सिस्टम इन प्री कॉलोनियल ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ठीक है ये आप बुक का नाम याद रख लीजिए और ये जो दो ट्राइब्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं टोंग सॉरी uh, uh, कौंद एंड uh, जोंग जोंग आप इनको भी याद रख सकते हैं और भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो कि हम uh, आ, आ, आने वाले पेपर टू में जब डिस्कस करेंगे होम मुंडाज इन सब के बारे में देन विल डिस्कस इन लेंथ ठीक है so, सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं हमारे uh, इस इनिशिएटिव के बारे में दैट इज अ कंट्रीब्यूटर सी बी दी कंट्रीब्यूटर में व्हाट आई एल डू इज फॉर हु डू नॉट नो वी विल आई गिव यू अ टॉपिक एवरी लेक्चर इन एवरी लेक्चर सो यू बेसिकली नीड टू कम आउट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट और ये जो टॉपिक्स होंगे दे आर नॉट नीड नॉट टू भी इन अ फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन ठीक है जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन के फॉर्म में हों Uh, they can be a, a topic, they can be a question, they can be a previous अ क्वेश्चन एनी थिंग लेकिन वो एक आप उसको लेख सकते हैं all in one, वो एक टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपकी फ्रीडम है आपकी क्रिएटिविटी uh, है दैट हाउ डू यू to टू it, इट do डू want टू प्रेजेंट हाउ डू यू want टू एक्सप्लेन इट ठीक है आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ बेसिकली द आइडिया इज कि आप उस चीज को जब खुद से करेंगे न, syllabus, कही ना वेन यू विल सी दैर इज अ टॉपिक दैट इज नॉट डायरेक्टली मैंशन इन टू दिलेबस बट वो कहीं ना कहीं से आपके सिलेबस से रिलेटेड है और आप जब उस टॉपिक के बारे में अपने आप से जानेंगे तो यू विल काइंड ऑफ एन डेवलप एन इंटरेस्ट इन टू दिस सब्जेक्ट ठीक है तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आप उसको करने के uh, जो प्रोसेस है इन दैट प्रोसेस ओनली लर्न सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल ठीक है इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसपेट करें बिकॉज वन यू विल पार्टिसिपेट देन यू विल लर्न इन अ मोर बेटर वे ठीक है तो यू ने एक ट्वेंटी ट्वेंटी में एक क्वेश्चन पूछा था ह्यूमन राइट्स एंड कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में आपको नोट लिखना था इसके ऊपर तो जनरली uh, आज का जो क्वेश्चन आज का जो टॉपिक है डिराइव फ्रॉम इट ओनली बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक uh, मैं आपको पी वाई ही से ही डिराइव करके दूँ बट हाँ आज का चूंकि ये पहला टॉपिक हाँ, था आपके तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा एक रिलेशन समझ में आ जाएगा कि मैं कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के आपको नहीं दे रही हूँ तो इट दर्ज अ काइंड ऑफ ए रिलेशन तो आज का जो आपका टॉपिक होगा दैट विल बी लीगल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन राइट ठीक है अब आप इसको रिलेशन दिखाना चाहते हैं आप दोनों के बीच का रिलिवेंस uh, दिखाना चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं इट्स अप टू यू ठीक है बस आप लीगल एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन राइट right को आ, कैसे कोरिलेट करते हैं कैसे इसका रिलेवेंस दिखाते हैं ये आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ठीक है एंड आई होप टू सी यू पीपल पार्टिसिपेट थैंक यू सो मच